नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ किन किन डिवाइसेस को यहाँ पे एंड्रॉइड गूगल का जो अपडेट है वो फ्यूचर में नहीं देखने मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे व्यूअर्स जो है मुझे आज भी कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि क्या मेरे सैमसंग की गैलेक्सी J7 2015 को क्या एंड्रॉइड गूगल का अपडेट मिलेगा, मेरे J2 2016 को एंड्रॉइड गूगल का अपडेट मिलेगा, या फिर मेरे सैमसंग गैलेक्सी A 2015 को गूगल मिलेगा। तो आइए मैं आपको बताने वाला हूँ उस वीडियो में कि कैसे क्या रीजन से जिनके वजह से यहाँ पे एंड्रॉइड गूगल का जो अपडेट है क्यों नहीं मिला। तो अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दीजिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी J सीरीज के बारे में। तो यहाँ पे काफी सारे ये रूमर्स आ रहे थे कि सैमसंग गैलेक्सी J7 जो 2015 सीरीज है, जैसे कि J515 और J7 2015, इन दोनों ही डिवाइस को यहाँ पे एंड्रॉइड गूगल का अपडेट मिल सकता है। यहाँ पे काफी सारे रूमर्स आए थे, काफी सारे गीक बेंच की रिपोर्ट्स भी यहाँ पे लिंक हो गई थी, जिनमें यहाँ पे एंड्रॉइड गूगल के साथ इन्हें रन करते हुए देखा गया था। तो यहाँ पे आखिर फाइनली इन्हें गूगल का अपडेट इसलिए यहाँ पे नहीं मिला क्योंकि जे सीरीज को यहाँ पे सिर्फ एक ही मेजर ओएस अपडेट मिलता है, जैसे कि जो डिवाइसेस थे दोनों ही लॉन्च हुए, लॉलीपॉप पे लॉन्च हुए थे और इन्हें एंड्रॉइड मार्शमेलो का जो अपडेट है वो मिल चुका है। तो यहाँ पे जो उनका एक मेजर ओएस अपडेट है वो पूरा हो चुका है और उनकी दो साल की अपडेट पॉलिसी है वो भी यहाँ पे पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पे इन्हें कोई भी सिक्योरिटी पैचेस या फिर मेजर ओएस अपडेट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है इन्हें अभी नूगल का अपडेट नहीं मिलने वाला है। ये मेरी लास्ट वीडियो है और रिक्वेस्ट है अपनी व्यूअर्स से, जो भी मुझे बार बार यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि क्या J7 2015 को यहाँ पे नूगल का अपडेट मिलेगा, तो मैं आपसे एक बार फिर से कहने वाला हूँ J7 J5 2015 एडिशन दोनों डिवाइसेस में यहाँ पे एंड्रॉइड नूगल का अपडेट नहीं मिलने वाला है। और अगर यहाँ पे बात की जाए सैमसंग की गैलेक्सी ए सीरीज में, यहाँ पे A 2015 ये एक ऐसा पहला डिवाइस है सैमसंग की ए सीरीज में से जिसे यहाँ पे सिर्फ एक ही मेजर ओएस अपग्रेड मिला है। सैमसंग गैलेक्सी जो A 2015 था वो लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड लॉलीपॉप पे और यहाँ पे इसे एंड्रॉयड मार्शमेलो का तो अपडेट मिल ही चुका है, लेकिन यहाँ पे इसे अब तक एंड्रॉयड नूगल का अपडेट नहीं मिला है। लेकिन यहाँ तक अगर बात की जाए साउथ कोरिया की, तो यहाँ पे साउथ कोरिया में यहाँ पे एंड्रॉयड नूगल को जो अपडेट है वो A 2015 के लिए यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। लेकिन मुझे समझ में ये बात नहीं आ रही कि सैमसंग ने यहाँ पे इंडिया में यहाँ पे ऐसा क्यों किया कि सैमसंग गैलेक्सी A 2015 में एंड्रॉयड नूगल का अपडेट नहीं दिया। ऐसे बहुत से रीजंस हो सकते हैं, शायद सैमसंग ने जो नूगल का रोल आउट है इसके लिए कैंसिल कर दिया हो, या फिर जो ये डिवाइस है वो नूगल में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा हो, ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इसलिए शायद सैमसंग ने A 2015 वहाँ पे एंड्रॉइड नूगल का जो अपडेट है वो नहीं प्रोवाइड किया है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी के ऑन सीरीज के बारे में। तो चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी ऑन सीरीज के बारे में। तो यहाँ पे ऑन सीरीज में जो डिवाइस है वो है ऑन 7 प्रो। यहाँ पे ऑन 7 प्रो को यहाँ पे एंड्रॉइड नूगल का अपडेट शायद नहीं मिला है क्योंकि शायद वो डिवाइस टेस्टिंग में यहाँ पे शायद फेल हो गया। जब अगले डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो अगला डिवाइस है वो सैमसंग गैलेक्सी J2 2016 है। यहाँ पे काफी सारे रूमर्स आ रहे थे कि शायद J2 2016 को भी यहाँ पे एंड्रॉइड नूगल का जो अपडेट है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे J2 सीरीज को वैसे भी कोई मेजर ओएस अपडेट नहीं मिलता है। और तो और यहाँ पे J2 2016 के जो यहाँ पे J2 2016 को भी यहाँ पे एंड्रॉइड नूगल का जो अपडेट है वो नहीं मिलने वाला है। तो एक बार मैं आपसे रिपीट कर देता हूँ, J5 J7 2015 इन दोनों डिवाइस को भी यहाँ पे नूगल नहीं मिलने वाला है। ऑन 7 प्रो को भी यहाँ पे एंड्रॉइड नूगल का अपडेट जो नहीं मिलने वाला है। और तो और अगर यहाँ पे A 2015 और J2 2016 की बात की जाए तो इन दोनों डिवाइस को भी यहाँ पे एंड्रॉइड नूगल का जो अपडेट है नहीं मिलने वाला है। तो आज वीडियो को लेते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ और तो चैनल साथ बने रहिए इसी तरह के सैमसंग शॉमी रिलेटेड वीडियोस के रिगार्डिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। और तो मैं मिलता हूँ उस अगले में, तब तक के लिए जय हिंद।